शक्ल अच्छी है, दाढ़ी चूड़ी बहुत अच्छी है, बताओ आप। हिंदी में बोलो। हाँ हिंदी में। इंडिया में था, इंडिया में मैंने 1987 में पास आउट किया होटल मैनेजमेंट, उसके बाद दिल्ली में जॉब। वो बटर चिकन है पीछे, ये बटर चिकन है, ये थाई चिकन करी। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल देसी लाइफ इन यूरोप। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, और आज के वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में जो कि है ज्यूरिक में। तो हमारे ट्रैवल्स वीडियोस में आपने देखा ही होगा, मतलब हम स्विट्जरलैंड के बारे में ट्रैवल वीडियोस बनाते ही रहते हैं, और देसी लोगों में ये बहुत ही फेमस लोकेशन है, तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए। तो सबका ये कंसर्न रहता है या क्वेश्चन रहता है कि हम कहाँ खा सकते हैं, इंडियन खाना मिलेगा या नहीं यहाँ पे, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे एक ये रेस्टोरेंट है जिसका नाम है इंडियन बीबीक्यू, और ये रिसेंटली ओपन हुआ था, मतलब कुछ मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हुआ है। तो हमने एक पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कुछ टिप्स शेयर किए थे, उसमें हमने एक दूसरा रेस्टोरेंट बताया था स्वाद, वो भी अच्छा रेस्टोरेंट है, बट ये एक सेकेंड ऑप्शन है जहाँ पे भी अच्छा इंडियन फूड मिलता है। इसके रिव्यूज़ अच्छे मिले थे हमें, इसलिए आज हम ये ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पे भी आपको रिजनेबल रेट में अच्छा खाना मिल जाएगा, तो आज हम चलते हैं, ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि खाना कैसा है और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हम होटल के सामने पहुँच चुके हैं और इसकी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे है बूफे विच इज़ इन 20 फ्रैंक्स, तो ऑल यू कैन ईट, तो अनलिमिटेड बूफे यहाँ पे है, और अंदर जाके हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि ज्यूरिक में खाना पीना ये सब कुछ बहुत ही महंगा है, तो उससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रेट है यहाँ पे, कि आपको 1600 रुपीज़ में आपको अनलिमिटेड खाना यहाँ पे मिल जाएगा पर पर्सन। शशांक जब तक पूछता है मैं आपको यहाँ का एम्बियंस दिखा देती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सेक्शन, तो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था, और ये यहाँ का भी सेक्शन बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट है, दो दिन आपको ज़्यादा लोगों के लिए सिटिंग चाहिए तो इधर इस साइड में है, और देन कुछ इंडियन पेंटिंग्स भी लगाई हुई यहाँ पे जो कि काफ़ी अच्छी है। और वहाँ पे हमको बताया कि बुफे जो है वो अंदर लगता है, तो अभी चलते हैं अंदर। सो गाइस, यहाँ पे इनका यहाँ पे हॉट डिशेस रखी हुई है, हॉट बुफे है, और यहाँ पे सैलेड वगैरह, तो कोल्ड बुफे इसको बोल रहे हैं। तो अभी कल्याणी आप दिखा दो पास से क्या क्या है ऑप्शन। बट पहले मैं आपको ये होटल दिखा देती हूँ कि अंदर आने के बाद ये देखो ऐसे दिखता है कुछ ब्यूटीफुल। अभी चलते हैं खाने की तरफ। ऐसी ये प्लेट्स रखी हुई है और अभी शशांक स्टार्ट कर रहे हैं लेना। हाँ, तो यहाँ पे ये पूरी हॉट डिशेस हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे ये चिकन है, वो भी चिकन करी है, नहीं वो बटर चिकन है पीछे, ये बटर चिकन है, ये थाई चिकन करी, ओके, फिश पकौड़ा, क्रेप चिप्स है, क्रेप्स है, नॉन वेज है, सी फूड का, दाल, तंदूरी चिकन, आलू बैंगन, पनीर मखनी, समोसा पकौड़े, पापड़, राइस, एशियन सैलड, ये फेल्ड एग सलाद, कैरेट, कैबेज, और सर अपना नाम बता दीजिए। रावत, चंद्र सिंह रावत। चंद्र सिंह रावत, थैंक यू, थैंक यू। सो गाइस, यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, और बाहर में भी लोग बैठे और हमने अंदर की जगह चूज़ की है क्योंकि थोड़ी हवा चल रही है, और हमने ले लिया है खाना। सो गाइस, कल्याणी की प्लेट रेडी है यहाँ पे। कौन सा क्या क्या लिया है कल्याणी ने? ये पनीर बटर मसाला लिया है, और ये पकौड़ाज लिए, समोसा तो मैंने आधा खा लिया, और ये पापड़, और ये मिक्स वेज की कुछ सब्जी है, और यहाँ पे पूरा सैलेड की एक प्लेट ली, एक अचार की प्लेट ली हमने पूरी, अचार और चटनी है सब, और शशांक का पूरा नॉन वेज जो शशांक बताएगा अभी, जो ये यहाँ पे अभी गर्मा गर्म नान। यहाँ पे स्टार्टर्स में तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली है, तो यहाँ पे तंदूरी चिकन है, ये फिश पकोड़ा है, यहाँ पे वेज पकोड़ा है, और ये समोसा है प्रॉपर। तो ये ऐसा हमारा टेबल लग रहा है अभी, और बहुत ही अच्छा और डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहा है, रोक नहीं पा रहे अभी, तो अभी हम शुरू करते हैं। गाइस, हमारा अभी हो चुका है लंच खत्म, फ्लाम केक, फ्लाम केक, या जर्मन बोलते फ्लाम कुकन,
अभी डेजर्ट टाइम है तो डेजर्ट में हम कुछ जर्मन डिश खा रहे हैं एक, तो यहाँ के जो ओनर है उनकी वाइफ ने बनाया हुआ है और उन्होंने ये हमें दिया हम पे ट्राई कर रहे हैं मैं होगा कि उनको आता होगा तो ये एग और एग कुछ केक है केक काइंड ऑफ दिख रहा है तो टेस्ट करते हैं। खाके बताओ कैसा है? अच्छा खा के बताओ। हाँ की वाइफ ये है और उन्होंने ये बनाया है। अपना इसकी जैसे ही है मतलब हाँ। क्या पुडिंग वगैरह था ना उस टाइप का वैनिला फ्लेवर। हाँ अच्छा थोड़ी कॉफी भी डाला हुआ है बढ़िया। वैसे बाहर में भी मिल गया है और ये पूरा एरिया जो है वो होटल का ही है तो यहाँ पे भी कुछ चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं तो जब समर रहता होगा तो यहाँ पे भी बैठते होंगे लोग। यहाँ से ना इतना अच्छा व्यू आ रहा है, ये नदी जो सामने बह रही है ईश्वर प्राट्स की वहाँ की ये पूरा व्यू आ रहा है वहाँ का। और अंकल बता रहे थे रात में तो बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत प्यारा दिखता है करके ये, क्योंकि इसमें भी फिर ये लाइट्स लग जाते हैं फिर उस साइड में ऐसी रिवर बहती हुई अच्छा लगता होगा। इंडियन होटल में तो आए बट काफ़ी लोग तो यहाँ स्वीज लोग ही हैं, हम दोनों ही इंडियन हैं यहाँ पे। और अंकल बोल रहे थे कि वो उत्तराखंड से है करके, तो पता नहीं वहाँ पे ऐसे पंडित जी होते कि क्या, बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेंटिंग पंडित जी की लगाई है तो आप देख पा रहे होंगे। और इंटीरियर तो काफ़ी अच्छा किया है अंकल ने, तो अभी पूछते हैं उनकी कहानी कि कैसे वो स्विट्ज़रलैंड में आए। चलो पूछते, आपको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, हमको भी बहुत इंटरेस्ट है उनको पूछने में कि कैसी रहा, कैसा रहा उनका यहाँ तक आने का सफ़र। तो चलो बहुत अच्छी है, बताओ आप हिंदी बोलो। हाँ हिंदी में। इंडिया में था, इंडिया में मैंने 1987 में पास आउट किया होटल मैनेजमेंट, उसके बाद दिल्ली में जॉब की, फिर 91 में दुबई चला गया था। अच्छा। फिर 92 में कुवैत में लड़ाई शुरू स्टार्ट थी, वापस इंडिया आ गया, फिर इंडिया में काम किया, फिर अब जर्मन आया था 2007 में, उसका इधर आया। अच्छा। तो ये मेरा चौथा रेस्टोरेंट है। जर्मनी में फिर जॉब करने के लिए जॉब के बीच में आया था ना, वर्क बीच में इंडिया में वर्क बीच में आया था, उसका इधर मूव हो गया, फिर यहाँ जॉब की, अब यहाँ पे लाइए। बहुत डॉक्यूमेंट की जरूरत होते हैं, जो मेरा बॉर्न है 66 का वो डॉक्यूमेंट मिलते हैं इंडिया में, और मिलते भी तो बहुत चक्कर लगता है, उसको कौन करेगा। हेलो सो गाइस, अभी हम बाहर आ चुके हैं हमारा खाना करके, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा खाना भी अच्छा था काफ़ी, और काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ डिशेस थी। तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में यूजुअली सारे रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता ही है, मतलब बुफे होता है जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप भी कभी घूमने आ रहे हैं या फॉर वॉट एवर रीज़न अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे ज्यूरिख में और लंच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। रेट भी बुफे का रिजनेबल था, हमारा जो टोटल बिल हुआ है उसमें हुआ है वो 44 फ्रैंक्स का, जिसमें 20 का तो हमारा पर पर्सन का बुफे था और उसमें 3 यूरो का कुछ वाटर और कुछ टैक्स वैक्स मिला के इतना हुआ है टोटल 44 फॉर 2 पर्सन। और यहाँ के जो ओनर थे उनकी भी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उन्होंने भी काफ़ी हमारे साथ बातें वगैरह की, बहुत ही हंसमुख और बोलने वाले थे वो एकदम, बिल्कुल सबके साथ एकदम। बाकी लोग वहाँ पे हमारे अलावा तो सारे जर्मनी लोग थे, सिर्फ हम ही थे इंडियन वहाँ पे, बाकी सब तो जर्मन लोग ही थे खाने के लिए, और वो सबके साथ एकदम ही फ्रेंडली फ्रीली होकर बात बात कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छे थे। और उनकी स्टोरी भी बहुत ही इंस्पायरिंग है, उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया है और उन्होंने पहले इंडिया में जॉब किया, उसके बाद वो जॉब के लिए ही दुबई या कुवैत मतलब गल्फ कंट्री में गए, उसके बाद वापस इंडिया आए, फिर वहाँ से वो वर्क वीज़ा पे जर्मनी आए थे 2007 में, और उसके बाद 2019 में वो जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड आए और वहाँ पे भी वो जॉब कर रहे थे पहले कुछ महीने, और उसके बाद रिसेंटली उन्होंने 1-2 साल पहले ही ये होटल चालू किया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा एम्बियंस है। अब हम यहाँ पे थोड़ा वॉक करेंगे और वापस जाएंगे।
would you let it be if I leave tonight? We could do this right, we'll find the remedy.